हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट है सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ, जिसके हम अंदर हम बात करने वाले मुद्दाए कट ऑफ की अगली सुनवाई की कॉज लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 19 को होगी महत्वपूर्ण कट ऑफ मुद्दे पर सुनवाई, जिसमें एजी का भी इंतजार रहेगा। साथ में दोस्तों टेट सत्य की सुनवाई को लेकर दोस्तों मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि भाई 16 तारीख को जो है सुनवाई होने वाली है टेट 17 के मामले को लेकर, तो दोनों चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। रात का समय दोस्तों आप सभी को पता है 9:30 से ऊपर हो चुका है, थोड़ा सा लेट आया हूँ। उसका रीज़न दोस्तों सिर्फ यही था कि मैं जो कॉज लिस्ट का इंतजार कर रहा था और कॉज लिस्ट के इंतजार में दोस्तों कॉज लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, इस वजह से दोस्तों फिलहाल मुझे आप सभी के सामने लेट आना पड़ा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आप सभी के सामने। तो टेट 17 को लेकर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछली बार इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, लगातार दोस्तों इसकी जो डेट वो लगती जा रही थी। और एक सबसे बड़ा जो सवाल था दोस्तों, इसके लिए भी एजी साहब को बुलाया गया था और आखिरकार दोस्तों टेट 17 पर एजी साहब काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि मेहरबान है, वो वहाँ पर दोस्तों पहुँच भी गए। तो टेट 17 का दोस्तों जैसे ही केस जो है टेकअप हुआ, सरकार की तरफ से एजी साहब अपीयर हुए और उनकी तरफ से दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो दूसरी साइड की दोस्तों एडवोकेट संदीप दीक्षित, अमित भदौरिया, राहुल सिंह, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो है वकील अवेलेबल थे शिक्षा मित्रों की तरफ से। तो एजी साहब ने कहा दोस्तों, साफ साफ कहना था कि एक बार कमेटी बन चुकी है, उसके बाद 4 आउट ऑफ सिलेबस जो पहले ही बहस हो चुकी है, तो इस पर दोस्तों जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लिया गया संदीप दीक्षित की तरफ से। और उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को पार्टी बनाए बिना मामला कैसे निपट सकता है, आखिर तर्कों के बिना 4 आउट ऑफ सिलेबस वाले जो अन्य प्रश्न निस्तारित किए गए थे वो किस आधार पर कर दिए गए। कोर्ट ने इस पर कहा कि 2-4 लोगों को उनका वकालतनामा दाखिल करवाकर पार्टी बनाया जाए। इसके बाद कोर्ट ने इसको जो है अगली सुनवाई 19 सितंबर को लगानी चाहिए। और जैसा कि आप सभी को बताया कि 19 सितंबर को मुद्दाई कट ऑफ की सुनवाई होने वाली है, जिसमें भी कहीं ना कहीं एजी साहब का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों वहाँ से जो इसकी अगली डेट हटा गए कि एजी साहब से पूछा गया कि भाई आप अगली डेट में कब आ सकते हैं, तो 26 सितंबर बताई गई। और इसी आधार पर दोस्तों कोर्ट ने अगली तारीख जो लगा दी वो 26 सितंबर लगी है। अब दोस्तों जो मामला दोबारा से आ चुका है टेट 17 का, मैं तो हर बार कह रहा हूँ कि अगर इसके अंदर दोस्तों 1-2 नंबर इधर उधर होता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी टेट 17 को लेकर, लेकिन फिलहाल अभी तक हुआ नहीं तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगली डेट दोस्तों 26 सितंबर लगी है, बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को बाद में ऑर्डर आने पर अपडेट कर दी जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों कट ऑफ मुद्दे की कॉजेस को लेकर। कॉजेस के बारे में दोस्तों आप सभी के सामने बात कर लेना चाहते हैं। आप यहां देख सकते हैं 9:03 का दोस्तों समय था जब कॉजेस आई थी, मतलब कॉजेस आने में आज काफ़ी ज़्यादा समय लग गया और इसी का मैं इंतजार कर रहा था शाम को 6 बजे से। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि एडवोकेट जनरल मतलब कि जैसा महाधिवक्ता को लेकर दोस्तों एक लेटर वायरल हुआ, जिसमें दोस्तों शिव गणेश जी की बात की जा रही है कि भाई वो अब सीएससी पैनल में ऐड कर दिए गए। कोई कहता है कि भाई महाधिवक्ता के साथ 69,000 का केस लड़ेंगे। देखो मैंने साफ सुबह बता दिया था कि अभी उस लेटर का 69,000 के साथ में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसको लेकर मैं आप सभी को बता दूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप सभी को स्वयं बता दिया जाएगा, और साथ में ना ही ऐसी कोई अपडेट निकल गई कि आइए कुछ लोगों ने इतनी अफवाह फैला दी है कि भाई 69,000 की फाइल उनके पास पहुंचा दी गई। हो सकता है कि शायद वही फाइल देने गए हो, क्योंकि एजी साहब के वो असिस्टेंट हो सकते हैं, वो जाकर के यूट्यूब पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने जाकर जो फाइल दे दी होगी। फिलहाल ऐसी कोई अपडेट मेरे पास नहीं, इसलिए दोस्तों मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। बाकी अगर जो आप सभी का डाउट आए थे इसलिए मैं दोबारा से इसको कवर कर दिया है। तो डेली कॉजेस दोस्तों आप सभी के सामने आ चुके, लखनऊ बेंच 19/9/2019 मतलब 19 तारीख को जो आप सभी की सुनवाई होने वाली है। दूसरे नंबर पर यह केस लगा हुआ 156/2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स। तो यहाँ पर दोस्तों सारे के सारे जो केस है वो इसके साथ कनेक्टेड है, उनकी दोस्तों संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कुछ ही केस आप सभी को दिखाने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों ये डेली कॉजेस में तो दूसरे नंबर पर लगा हुआ है, लेकिन जब तक फ्रेश कॉजेस नहीं आ जाती तब तक दोस्तों इसका कोई निर्धारित समय आप सभी को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों फ्रेश होते हैं, क्योंकि सबसे पहले फ्रेश केसेस को चुना जाता है, उसके बाद डेली का दोस्तों नंबर आता है। अब फ्रेश के अंदर 20-25-30 केस होंगे तो हो सकता है दोस्तों इसको 11 से 11:30 या 12 बजे तक आप सभी का नंबर आए, और अगर केसों की संख्या होगी तो दोस्तों एक भी बच जाती है और लंच के बाद भी नंबर आ सकता है। बाकी जैसी भी जो भी अपडेट होगी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से समय समय पर आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि रियल एंड ऑथेंटिक होगी। तो कट ऑफ मुद्दे पर दोस्तों 19 तारीख को काफी महत्वपूर्ण बहस होने वाली है, जैसा कि आप सभी को बताएं। अब एजी साहब आएंगे कि नहीं आएंगे आप सभी का इसका जो सवाल है उसका आंसर तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस यही कह सकते हैं अगर एजी साहब नहीं आएंगे तब भी दोस्तों वहां पर सुनवाई तो होगी। इस बात को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वहां पर एजी साहब आए, अपना सबमिशन कंप्लीट करें और उसके बाद दोस्तों जो कट ऑफ मुद्दा वो निस्तारित किया जाए, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी परेशानी बढ़ती जा रही है, लगातार छात्र जो है इससे पीड़ित हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख को जो एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है कट ऑफ मुद्दे को लेकर, वहाँ पे एजी साहब आए और जल्दी से जल्दी इस मामले को निस्तारित करें। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।